नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनकेसी न्यूज़। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं TET 19 को लेकर। हम देख रहे हैं TET 2019 की परीक्षा टली दोस्तों, क्योंकि जानते हैं इतना भीड़ भरा लड़ाई झगड़ा हुआ, इंटरनेट बंद हो गया, जिसके कारण दोस्तों प्रवेश पत्र भी डाउनलोड नहीं हुआ है। तो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन टेट को लेकर देने वाले हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के बिगड़ने के कारण जो है सरकार को करना पड़ा स्थगित, दोस्तों जो है परीक्षा स्थगित करना पड़ा है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं इसको लेकर, टेट को लेकर, TET 2019 को लेकर। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल टन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर भी कर देना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों इसे यहाँ देख पा रहे हैं 4 महीने की तैयारी पर अचानक ब्रेक। और दोस्तों यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो कानून की व्यवस्था बिगड़ने के कारण जो सरकार को करना पड़ा स्थगित, जिलों में जो है शुक्रवार को ही भेजे गए थे प्रश्न पत्र, लेकिन देख रहे उमार सीट भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, सभी वो सभी कारागार में बंद हैं। यहाँ से देख पा रहे हैं कि TET 2019 के लिए 4 महीने तक चली तैयारियों पर अचानक ब्रेक लग गया। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण जो परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले सरकार ने TET टालने का निर्णय लिया है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एलनगंज अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। शुक्रवार दिन में ही सभी जिलों को पेपर और ओमायर शीट भी भेज दिए गए थे, जो फिलहाल कोषागार के डबल लॉक में रखे गए हैं। केंद्र व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, अभ्यर्थियों के स्कैन हुए कॉपी फोटो युक्त अभ्यर्थियों के पत्रक भी शुक्रवार को ही भेज दिए गए। और लेकिन शाम देख रहे हैं कि यहाँ पर शाम को जो है सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी। इससे आर्थिक नुकसान तो नहीं हुआ, पर अभ्यर्थियों की तैयारियां प्रभावित हुई है। पिछले 2.5 महीने से जी तोड़ मेहनत करके परीक्षा की तैयारियां कर रहे 16 लाख से अधिक आवेदकों को झटका लगा है। रविवार को सुबह 10 से लेकर 11:30 बजे तक प्राथमिक और स्तर के, यहाँ देख रहे 2:30 से 5 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा प्रस्तावित थी। दोनों पालियों के लिए देख रहे हैं क्रमशः 1946 और 1063 केंद्र बनाए गए थे परीक्षा केंद्र। और यहाँ देख रहे 70,000 जो विद्यार्थी है डाउनलोड नहीं कर सके थे प्रवेश पत्र, यानी देख रहे हैं एडमिट कार्ड भी नहीं डाउनलोड कर सके इंटरनेट बंद होने के कारण। यहाँ देख रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की TET के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र शुक्रवार तक डाउनलोड नहीं कर सके थे। शुक्रवार को प्रयागराज समेत अन्य शहरों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने के कारण विद्यार्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की शिकायत कर रहे थे। और यहां देख रहे हैं कि यहां भी दे रहा है DIO ने दिन में ही की थी मीटिंग और शाम को टली परीक्षा। यहां से देख पा रहे हैं कि TET की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को DMCT AK कन्हैया की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। केंद्र व्यवस्था को आवश्यक निर्देश दिए गए, हालांकि शाम को सरकार ने परीक्षा टाल दी। जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने बताया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए जिले में क्रमशः 66,786 और 37,134 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, और लेकिन देख रहे हैं इसके लिए जो क्रमशः 139 और 76 केंद्र बनाए गए थे। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आपको कोई अगली खबर निकल कर आएगी टेट को लेकर या 69,000 भर्ती को लेकर, तो यहाँ NKC न्यूज़ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ काम खबर जो भी निकल कर आती है आपको NKC न्यूज़ द्वारा अपडेट मिल जाती है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही उसके साथ मिलेगा छोटा सन्ना सा बेल बटन, उसको भी ऑन कर ले, ताकि 69,000 की भर्ती की आपको अपडेट रेगुलर मिलती रहे। टेट की भी देख रहे हैं अपडेट आपको मिल जा रही है, यहाँ जो भी 68,500 है या टेट हो या 69,000, सभी की भर्ती का आपको रेगुलर अपडेट कुछ कुछ देते रहते हैं। जो भी खबर निकल कर आती है सामने मैं आपको यहाँ प्रकाशित कर देता हूँ। तो दोस्तों अगले अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।